गाइज, आज मैं ना आपको एक बहुत ही कड़वा सत्य बताने जा रहा हूँ, और शायद ये कड़वा सत्य सुन करके आपको आईटी इंडस्ट्री में जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अपना मन मत बदलिएगा, अगर इच्छा है तो आप ऑब्वियसली जाइएगा, आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है। लेकिन एक बात ऐसी है ना गाइज, जो आपको कहीं ना कहीं मन में वो बात जरूर लाएगी आपके मन में कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं, चीज़ें किस तरह से हमारी लाइफ में हो रही हैं। अगर आपकी उम्र जो है 45 साल तक हो जाती है, आईटी इंडस्ट्री में क्या है, आईटी इंडस्ट्री में स्मार्ट वर्क चाहिए। मतलब स्मार्ट वर्क जब तक आप कर रहे हो तब तक आपकी जॉब है, मतलब तब तक आपकी नौकरी है। इसीलिए आईटी इंडस्ट्री में लोग चाहते हैं कि 40 साल तक जितना पैसा कमाना हो, जितना मैक्सिमम पैसा कमाना हो, आईटी इंडस्ट्री में काम करके पैसा कमा लें, उसके बाद फिर अपना कुछ शुरू करें। बहुत रेयर, मैं भी इंडस्ट्री में रहा हूँ, बहुत रेयर मेरे को तो मिले होंगे जो 50-55 साल के हैं सरवाइव कर पा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। बिकॉज यंग जनरेशन है, चीज़ें भी उसी तरह से हैं, आपके काम करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, चीज़ें आप नहीं समझोगे तो शायद वहाँ पे मुश्किलात आपके लिए आएंगे, शायद मुश्किलें पैदा होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए देखो, वो चीज़ें जो हैं बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में जो लोग भी जाना चाहते हैं, एक एज लिमिट होती है, यंग और एनर्जेटिक बंदों को भी आईटी इंडस्ट्री हायर करती है। अभी हाल ही की बात किया जाए तो गूगल ने एक एम्प्लॉय था जो 16 साल से काम कर रहा था, उसकी इफ़िशियंसी कम हो गई, वर्क इफ़िशियंसी, पहले वो जितना काम करता था अब नहीं कर पाता है। 16 साल से गूगल था, आप समझ लो जब से गूगल शुरुआत हुआ तब से वो जुड़ा हुआ था, और उसको फायर कर दिया, रिसेशन आया। रिसेशन क्या, उन्हीं लोगों के लिए रिसेशन था जो स्लो प्रोसेस में काम करते हैं, जो कंपनी के लिए कोई काम लायक नहीं है। तो ये प्रोफेशनल लाइन है, जब तक आप एनर्जेटिक हो, जब तक आप काम लायक हो, तब तक ये आईटी इंडस्ट्री आपके साथ है, वरना बड़ा सौतेला व्यवहार होता है आईटी इंडस्ट्री में। मतलब एज लिमिट को लेकर के, आपके वर्क एफिशिएंसी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, इट्स अप टू यू। उसको कैसे डेवलप करते हो, उसको आप कैसे मैनेज करते हो, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। जब तक आप नहीं सीखोगे चीज़ें कैसे मैनेज करें, कैसे उस चीज़ को डेवलप करें, उस चीज़ का कैसे हम यूटिलाइजेशन करें, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक आप अच्छे से नहीं सीखोगे कि मतलब चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, चीज़ें किस तरह से होती हैं आईटी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। पहले का टाइम नहीं रहा, 45 साल की उम्र के बाद अगर आईटी इंडस्ट्री में आपको टिकना है तो भैया आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, वरना वही है, अपना कोई काम स्टार्ट करो, अपना कोई काम शुरू कर दो, और उस काम से जो आउटपुट हो उससे अपना कंपनी शुरू करो या जो भी काम है उससे शुरू करो, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है गाइस, और उसके लिए चीज़ें शायद खतरनाक है। तो मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टाइम फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें खतरनाक होती जाएंगी डे बाई डे। जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, डे बाई डे चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। तो आपको समझना पड़ेगा और उसका सही से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। जब तक आप समझोगे नहीं, देखो आईटी इंडस्ट्री एक दिखावा की इंडस्ट्री है, और इस दिखावा की इंडस्ट्री को आपको आगे लेके जाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक राइट डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं मेहनत करोगे तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, चीज़ें उतने अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो राइट डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत करिए और आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा गाइस। जब आपका करियर दूर तक जाएगा तो ऑब्वियसली चीज़ें भी आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई भी हो मतलब एम हो आईटी इंडस्ट्री में आने का, तो फुल एफर्ट एनर्जेटिक के साथ आपको मतलब चीज़ें भी अपग्रेड करनी पड़ेंगी अपने अंदर, तभी आप। ये बहुत कड़वा और डार्क ट्रूथ है, मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ कि जब तक आपका भैया काम चल रहा, जब तक आप लायक हो, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका बल्ले बल्ले कंपनी आपको बोनस दे रही है, आपको इनाम दे रही है, आपको गिफ्ट दे रही है, जब कंपनी को चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करे ना, तो ये कंपनियाँ पीछे हट जाती हैं। ये बड़ा कड़वा सत्य है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल लाइन ही ऐसा है कि मतलब इस प्रोफेशन में चीज़ें इसी तरह से होती है। तो जब तक आप ये चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक आप ये चीज़ें जानोगे नहीं, शायद मुश्किल ऐसे ही बढ़ेंगे और मुश्किलों का सामना आप करते रहोगे। तो वीडियो में इतना ही, होप कि आपको मैं वो चीज़ समझा पाया, वो चीज़ आपको बता पाया, जो एक कड़वाहट है, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना आपके कन्फ्यूजन को जरूर दूर करेगी। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके बताइए, आईटी इंडस्ट्री का जो सौतेला व्यवहार चलता है, जब ज़रूरत आपको है तो वो लोग नहीं करते हैं, ये सही है या गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।